उदयपुर में युवक की निर्मम हत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात हुई है, घटना की कड़ी निंदा करनी चाहिए, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए। और इस दौरान क्या कुछ कहा गुलाबचंद कटारिया ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। वीडियो 17 तारीख का भी उसने आज वायरल किया है, उसमें जिस प्रकार की उसने भाषा का प्रयोग किया है, ये लगता है कि कोई न कोई गैंग से संबंधित व्यक्ति होना चाहिए। अब ये उदयपुर का है नहीं है, ये पकड़ने के बाद ही पता लगेगा कि कहाँ का है क्या है। लेकिन वो बता रहा है सेक्टर 11 का रहने वाला है, और भी कई लोगों को उकसा रहा है कि तुम लोग भी इसी प्रकार से मर्डर करो। तो मैंने मुख्यमंत्री से भी मेरी बात हुई है, DG साहब से भी, SP कलेक्टर से बात हुई, वहाँ के लोगों से भी बात हुई, और मैं स्वयं भी अभी भाई रोड ही जाने का रास्ता और कोई रास्ता है नहीं, मैं जा रहा हूँ। और मैं सोचता हूँ पीड़ित परिवार को भी सांत्वना भी देंगे, उसके लिए जो मैक्सिमम सरकार से दिला सकते हैं वो दिलाने का भी प्रयत्न करेंगे, और इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करें, नहीं तो कल उदयपुर बंद करेंगे। सर, कोई